सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ऐसा अमेजिंग सा फ्री फायर का लाइव स्ट्रीमिंग थंबनेल क्रिएट करने सिखाने वाला हूँ, जो कि बहुत सिंपल एंड ओपी सा दिखने वाला रहेगा। सो गाइस, थंबनेल पूरा परफेक्ट क्रिएट करने सीखना है तो वीडियो को पूरा शुरू से लेकर एंड तक का देखना। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले आप लोगों को पिक्सल लैब एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है और न्यू टेक्स्ट को डिलीट कर देना है, और उसके बाद थ्री डॉट पे क्लिक करना है, यूज़ इमेज फ्रॉम गैलरी पे क्लिक कर देना है और ये वाला बैकग्राउंड ऐड कर लेना है। ये वाला बैकग्राउंड आप लोगों को मेरे पैक में मिल जाएगा और पैक का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पासवर्ड नहीं रहेगा, ठीक है। सो गाइस, बैकग्राउंड ऐड करने के बाद आप लोगों को फिर प्लस पे क्लिक करना है, फ्रॉम गैलरी पे क्लिक कर लेना है और अपना रेंडर ऐड कर लेना है। जैसे मैं एग्जांपल के लिए ये वाला रेंडर ऐड कर रहा हूँ, आप कुछ भी कर लेना है, या नहीं तो फिर मेरे डिस्क्रिप्शन पे से यही वाला रेंडर ऐड कर लेना और इसको एडजस्ट करके बड़ा कर लेना, और उसके बाद लेयर पे क्लिक करके इसको लॉक कर देना है, और उसके बाद फिर प्लस पे क्लिक करना है, टेक्स्ट पे क्लिक करके एक न्यू टेक्स्ट ऐड कर लेना है और इसमें अपने चैनल का नेम टाइप कर लेना है, जैसे मैं टाइप कर लेता हूँ। सो गाइस, चैनल नेम टाइप करने के बाद आप लोगों को यहाँ ए पे क्लिक कर लेना और नीचे चले आना है ए बी फॉन्ट पे, और इसमें एक ये वाला फॉन्ट दे देना है। ये वाला फॉन्ट भी आप लोगों को मेरे डिस्क्रिप्शन वाले पैक में मिल जाएगा, और इसको थोड़ा एडजस्ट करके बड़ा कर लेना है, और इसके बाद ऊपर चले आना है कॉपी पे और एक और कॉपी कर लेना है, और इसको यहाँ पे कुछ ऐसे एडजस्ट कर देना है इस तरीके से, और उसके बाद जाके फिर यहाँ नीचे चले आना है आप लोगों को ओपेसिटी पे, और इसका ओपेसिटी आप लोग कर देना अराउंड 13 पे, और यहाँ से डन कर देना, और उसके बाद लेयर पे क्लिक करके इसको लॉक कर देना है, और उसके बाद फिर आप लोगों को ये वाला जो टेक्स्ट है इसको यहाँ पे अच्छे से एडजस्ट कर देना है, और उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे नीचे चले आना है, कलर पे क्लिक कर देना है, और यहाँ से कुछ भी आप लेटर सेलेक्ट कर लेना है, जैसा मैं सिलेक्ट कर लूँ, और उस पर कलर दे देना अपने अकॉर्डिंग, और इसके बाद यहाँ से डन कर देना। सो गाइस, इतना हो जाने के बाद फिर आप लोगों को एक बार प्लस पे क्लिक करना है, टेक्स्ट पे क्लिक करके एक और न्यू टेक्स्ट ऐड कर लेना है, और इसमें लिख लेना आप लोगों को इज लाइव। को थोड़ा सा बड़ा कर लेना है, फिर नीचे चलाना है ए बी फॉन्ट पे, और इस पर आप लोगों को ये वाला फॉन्ट दे देना है। ये वाला फॉन्ट भी आप लोगों को मेरे पैक में मिल जाएगा, और उसके बाद इसका भी एक और आप लोगों को कॉपी कर लेना है, और इसको इसको भी थोड़ा एडजस्ट करके बड़ा कर लेना है, और फिर ओपेसिटी पे चले आना है, और इसका भी ओपेसिटी आप लोगों को अराउंड 13 पे कर देना है, और यहाँ से डन कर देना है, और उसके बाद आप लोगों को एक बार इज लाइव वाले टेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है, और फिर नीचे कलर पे चले आना है, और यहाँ से जैसे मैं ये वाला लेटर को सिलेक्ट करता हूँ, आप अपने हिसाब से कोई भी लेटर को सिलेक्ट कर लेना और इसमें कलर कर देना, जिससे हमारा थोड़ा अलग ही लुक आएगा हमारे इस थंबनेल का। सो इतना हो जाने के बाद आप लोगों को फिर एक बार लास्ट प्लस पे क्लिक करना है, फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करना है, और एक ये वाला PNG ऐड कर लेना है मेरे पैक से, और इसको यहाँ पे क्लिक करके रोटेट कर लेना है और डन कर देना है, और उसके बाद इसको एडजस्ट करके थोड़ा छोटा कर लेना है कुछ इतना, और इसको यहाँ पे अच्छे से एडजस्ट कर देना है, और उसके बाद यहाँ चले आना है कलर फिल्टर पे, और इसका सैचुरेशन माइनस कर देना है, ब्राइटनेस फुल कर देना है, तो ये वाइट कलर का हो जाएगा, और उसके बाद आप लोगों को यहाँ शेयर पे क्लिक करना है और सेव टू गैलरी पे क्लिक करके अपना थंबनेल को सेव कर लेना है। सो गाइज, आज का ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर देना, साथ ही चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट कर देना आगे भी ऐसे अमेजिंग थंबनेल और लोगो वाली वीडियोस देखने के लिए। सो गाइज, आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, टाटा, बाय बाय।